वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह पर पंजाब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पंजाब में अमृतपाल की तलाश में पूरे प्रदेश में तलाशी अभियान चल रहा है। हालांकि इससे पहले खबरें आई थी कि अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 78 लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ हेट स्पीच समेत कई मामलों में केस दर्ज किया हुआ है। खालिस्तान समर्थक है वारिस दे पंजाब संगठन का प्रमुख अमृतपाल सिंह, जो इस वक्त फरार है। पंजाब पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश में है। पंजाब पुलिस का दावा है कि अमृतपाल को आखिरी बार मोटरसाइकिल से भागते देखा गया। बीते दिन पंजाब में उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए गए। पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से उसके फिनांसर दलजीत सिंह कलसी को भी अरेस्ट किया है। पंजाब पुलिस के इस ऑपरेशन में कुल 78 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक पंजाब की धरती पर आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम भगवंत मान को चुनौती देने वाले अमृतपाल सिंह ने पंजाब के युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रखा था। तो इन सब के पीछे अमृतपाल सिंह का एक मकसद है, आजादी। आजादी पंजाब की, भारत से। आपको बता दें, खालिस्तान समर्थक है ये अमृतपाल सिंह और ये अपने आप को भिंडरावाला कहता है। युवाओं को अमृतपान और नशा छुड़ाने के नाम पर अपने साथ जोड़ रहा था, लेकिन साथ ही पंजाब में खालिस्तान लहर को भी ये खड़ा कर रहा था। इस बीच अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने साफ किया कि उन्हें खुद नहीं पता कि उनका बेटा कहाँ है। तरसेम ने कहा कि वो खुद चाहते हैं कि अमृतपाल के बारे में कोई सटीक और सही जानकारी मिल जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके घर में 3 से 4 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। एक अपडेट ये भी है कि पंजाब पुलिस की कई गाड़ियां अमृतपाल और उसके साथियों को ढूंढ रही हैं। देखिए तरसेम सिंह यानी कि अमृतपाल सिंह के पिता का बयान क्या है। इतना कि पुलिस हमारे घर में रही 3-4 घंटा, उन्होंने इधर सर्च किया, उनको कोई ऐसा कुछ नहीं इधर से कुछ भी मिला कि जो कोई अलीगल हो। तो बाकी तो अभी तक हम लोग थोड़ा चाहते हैं कि उनके बारे में कोई करेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन मिले हमको, तो अगर वो मिलेगी तो फिर हम उसके बाद ही कोई बात कर पाएंगे। तो पुलिस ने कुछ बताया आपको जो आए थे? कोई नहीं, बोले कि सीनियर अफसर भी आए थे, एसएसपी 2 डिस्ट्रिक्ट के थे, तो उन्होंने भी अभी तक बोले कि अभी हम लोग को भी उनको भी बोलते कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं अभी वो हमसे छुपा रहे हैं। बताया कि कोई अरेस्ट करना है या ऐसा कुछ? वो रहे थे कि अरेस्ट करना है, तो मैं बोला अरेस्ट करना तो घर से 8-8.30 बजे गए, उस टाइम अरेस्ट कर लेना चाहिए था। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल की लास्ट लोकेशन शाहकोट के पास ट्रेस हुई थी। बीते दिन जब पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया तो .315 बोर की एक राइफल, 12 बोर की 7 राइफल, एक रिवॉल्वर और 373 कारतूस समेत कुल 9 हथियार मिले। इस बीच सुरक्षा कारणों की वजह से राज्य में सुरक्षा बल चौकन्ने हैं। जानकारी के मुताबिक जब अमृतपाल दुबई में था तब वो पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह रोड़े के भाई जसवंत सिंह रोड़े और उग्रवादी परमजीत सिंह पम्मा के संपर्क में था। अमृतपाल सिंह की तुलना जर्नैल सिंह भिंडरावाला से होती है, उसे भिंडरावाला पार्ट 2 कहा जाता है। भिंडरावाले की तरह ही वो खालिस्तान समर्थक है, भिंडरावाले की तरह ही नीली पगड़ी पहनता है। अमृतपाल ने पिछले साल 29 सितंबर को मोगा जिले के रोड़े गांव में वारिस पंजाब दे की पहली वर्षगांठ मनाई। रोड़े भिंडरावाले का ही पैतृक गांव है। वारिस पंजाब दे संगठन की पहली वर्षगांठ पर हुए कार्यक्रम में ही अमृतपाल को संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया। अमृतपाल अपने सफेद कपड़ों में एक छोटी कृपाण रखता है और भड़काऊ भाषण देता है, इससे कट्टरपंथी सिख युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। अमृतपाल के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए। ये 12वीं पास है। अमृतपाल सिंह का जन्म अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव में 1993 में हुआ। महज 12वीं पास अमृतपाल अचानक दुबई गया। बताया जाता है कि वहां पर अमृतपाल ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जुड़ा। पंजाबी एक्टर और एक्टिविस्ट दीप सिद्धू ने 30 सितंबर 2021 को वारिस पंजाब दे संगठन की स्थापना की। दीप सिद्धू ने इसका मकसद युवाओं को सिख पंथ के रास्ते पर लाना और पंजाब को जगाना बताया था। किसान आंदोलन और उसके बाद 26 जनवरी 2021 को लाल किला हिंसा मामले में दीप सिद्धू का नाम आया। 15 फरवरी 2022 को दिल्ली से पंजाब लौटते वक्त सोनीपत के पास एक सड़क हादसा हुआ जिसमें दीप सिद्धू मारा गया। जो बातें हैं उसमें दावा किया गया है कि अमृतपाल अब वारिस पंजाब दे संगठन का नया सर्वेसर्वा है।
इसके बाद 29 सितंबर 2022 को अमृतपाल मोगा के रोड़े गांव पहुंचता है। वहीं रोड़े गांव जहां से खालिस्तानी जर्नैल सिंह भिंडरावाले की जड़ें जुड़ी हुई थी। 29 सितंबर को ही रोड़े गांव में बतौर वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह की दस्तारबंदी होती है। इसके बाद अमृतपाल सीधे देश की सरकार और सिस्टम को चैलेंज करता है। अमृतपाल सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ललकारता है, कहता है इंदिरा गांधी ने भी कुचलने की कोशिश की, अब अमित शाह भी अपना दाव पूरी तरीके से देख ले। अमृतपाल सिंह ने 10 फरवरी को पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में एक सादे समारोह में ब्रिटेन की रहने वाली एनआरआई लड़की किरणदीप कौर के साथ शादी की। अमृतसर में बाबा बकाला के गुरुद्वारे में आयोजित आनंद कारज में दोनों पक्षों के परिवार मिले। किरणदीप का परिवार मूलतः जलंधर के कुलारा गांव का है। कुछ समय पहले परिवार इंग्लैंड में था। पिछले महीने ही अमृतपाल और उसके साथियों ने पंजाब के अजनाला में हथियारों से लैस होकर थाने पर हमला किया। अमृतपाल के समर्थकों ने अपहरण और दंगों के आरोपियों में से एक तूफान की रिहाई को लेकर पुलिस स्टेशन पर धावा बोला था। इस दौरान 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। अमृतपाल के खिलाफ उसके ही एक पूर्व सहयोगी ने शिकायत की। आरोप था कि इन सभी ने कथित तौर पर बरिंदर सिंह नाम के व्यक्ति को अजनाला से उठाया फिर मारपीट की। शिकायतकर्ता बरिंदर सिंह ने शिकायत में कहा कि वह अमृतपाल सिंह के प्रशंसक थे लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने सहयोगियों के गलत कामों को उजागर किया तो अमृतपाल नाराज हो गया। अमृतपाल सिंह ने कथित तौर पर बरिंदर को 15 से 20 बार थप्पड़ मारे, गाली गलौज की, अभद्रता की। आरोप है कि रूपनगर जिले के सलेमपुर गांव के रहने वाले फरियादी को 3 घंटे तक पीटा गया। शिकायतकर्ता बरिंदर सिंह ने अमृतपाल सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। दमदमी टकसाल के मुखी रहे संत जर्नैल सिंह भिंडरावाला के भतीजे जसबीर सिंह रोड़े ने वारिस पंजाब दे जत्थेबंदी के मुखी अमृतपाल सिंह से किनारा किया है। जसबीर सिंह ने कहा कि अमृतपाल सिंह की विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं। अमृतपाल भिंडरावाला की जगह नहीं ले सकता, वो एक अलग शख्सियत थे। उन्होंने कभी भी खालिस्तान बनाने की मांग नहीं की थी। श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार भाई जर्नैल सिंह रोड़े ने कहा कि खालिस्तान अमृतपाल का अपना और उसकी जत्थेबंदी का एजेंडा हो सकता है। भिंडरावाला परिवार इससे इत्तफाक नहीं रखता। यह भी कहा कि अमृतपाल अगर सिख धर्म के प्रचार प्रसार या अमृतपान की मुहिम चलाता है तो हम उसका साथ देंगे, लेकिन अगर खालिस्तान या राज्य की मांग करता है तो उसका समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा संत जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने भी कभी खालिस्तान की मांग नहीं की, वो हमेशा ही आनंदपुर साहिब मत्ते को लागू करने की मांग करते थे। इसके तहत राज्य को अधिकार दिए जाने की वकालत थी, उसमें खालिस्तान की कोई बात थी ही नहीं। अब ये भी जान लीजिए वारिस पंजाब दे जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, आखिरकार वो है क्या? अमृतपाल सिंह जो संगठन वारिस पंजाब दे संचालित करता है वो एक्टर एक्टिविस्ट दीप सिद्धू ने बनाया। बाद में 2022 में दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हुई। दीप सिद्धू किसान आंदोलन में सक्रिय रहा और लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने से चर्चा में आया। दीप सिद्धू के निधन के बाद इस संगठन की कमान कुछ महीने बाद दुबई से लौटे अमृतपाल सिंह ने संभाली और इसका प्रमुख बन गया। उसने किसान आंदोलन में भी रुचि दिखाई थी। दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल सिंह ने वारिस पंजाब दे वेबसाइट बनाई और लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।